एक तरफ जहां केंद्रीय कृषि कानून को लेकर केंद्र सरकार और किसानों के बीच लंबे समय से घमासान जारी है, वहीं दूसरी तरफ राज्यों से भी कई ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो इस आंदोलन को बल देती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर रीवा से सामने आई जहां किसानों ने धरना स्थल पर ही अपने बच्चों की शादी करवा दी। रिपोर्ट देखिए। देश भर में लाखों किसान पिछले करीब 4 महीने से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ आंदोलन कर रहे हैं। देश के अलग अलग राज्यों में किसान ने धरना स्थल बना रखे हैं, जहां वे कृषि कानून के विरोध में धरना दे रहे हैं। और इसी बीच रीवा में ऐसे ही एक पंडाल में एक किसान ने अपने बेटे की शादी करवाई। और शादी में खास बात ये रही कि शादी में मेहमान और कोई नहीं बल्कि धरनारत किसान ही थे, जिन्होंने वर वधु को आशीर्वाद दिया। हम इस किसान अनवरत 3 जनवरी से यहाँ किसान आंदोलन चल रहा है, और ये किसानों की ये लगातार मार है कि सरकार जो तीनों काले कानून वापस लेकर आई है, इनको वापस ले। ये किसानों के हित के लिए नहीं है, अनहित के लिए। हम ये धरना जब तक चला रहे हैं, जब तक किसान यहाँ शादी भी करेगा, सब कुछ हर फंक्शन यहाँ किसान करेगा, और धरना अनवरत चलता रहेगा। दरअसल किसान रामजीत सिंह और किसान विष्णुकांत अन्य किसानों के साथ केंद्रीय कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर पिछले करीब 4 महीने से धरने पर बैठे हैं। और इससे पहले रामजीत के बेटे सचिन और विष्णुकांत की बेटी आसमा की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन दोनों के पिता कृषि कानून के खिलाफ धरना स्थल पर डटे हुए हैं। ऐसे में दोनों परिवारों ने तय किया कि शादी किसी मैरिज गार्डन या होटल में नहीं बल्कि धरना स्थल पर की जाएगी। पूरे समाज को ये संदेश देने के लिए है कि हमारा जो आंदोलन है तो अब अडिग आंदोलन है, अमिट आंदोलन है, तो हम निश्चित ही लड़ेंगे और जीतेंगे, और जब तक जीत नहीं होती तब तक हम पंडाल नहीं छोड़ेंगे। आज बच्चे को बच्ची को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, इसमें चाहे सरकार हो समाज बाधित नहीं कर सकती। हम वो सामाजिक आंदोलन भी एक साथ लड़ रहे हैं। जहां किसान एक और कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर गुस्से में हैं, ऐसे में धरना स्थल पर बची शादी की शहनाई ने जहां एक और लंबे समय के बाद धरने पर डटे किसानों के बीच खुशियां बिखेरी, तो वहीं सरकार के लिए ये साफ कर दिया कि किसान झुकने वाले नहीं हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।